गुड मॉर्निंग एंड ब्यूटीफुल डे टू ऑल ऑफ यू। आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस। ये प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस क्या होता है, इसमें हम सबसे पहले एक आइडेंटिफिकेशन मानते हैं। आइडेंटिफिकेशन क्या होती है, पहचान। जैसे मैं बात करता हूं, किसी बच्चे का नाम राहुल है, किसी का दिनेश है, किसी का दीपिका है, किसी का सोनम है, तो ये क्यों दिए गए। आइडेंटिफिकेशन मतलब मैं उस बच्चे को उस नाम से पहचान रहा हूं। तो इसी तरीके से इस टेंस की हम पहचान रखते हैं। इस टेंस में पहचान के लिए हम कुछ वाक्यों का प्रयोग करके आपको बताएंगे। जैसे जिस वाक्य के पीछे ता है, ते है, ती है, आता है, वो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। तो पहचान क्या है प्रेजेंट इंडेफिनिट की, ता है, ती है। अब हम इस सेंटेंस को समझते हैं। अब इसमें पार्ट्स होते हैं। पहला है सिंपल, जिसे अफर्मेटिव भी कहते हैं। सिंपल मतलब सिंपल सेंटेंस। यस सर। जैसे मैं कहता हूँ वह पढ़ता है, ये सिंपल सेंटेंस। यस सर। कल मैंने आपको बताया था कि कोई भी वाक्य होता है, उस वाक्य के लिए वर्ब की जरूरत पड़ती है। उसकी एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तो यहाँ हम जो मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं, मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन है कि वह पढ़ता है, तो वह क्या हो गया प्रोनाउन, पढ़ना क्या हो गया वर्ब। तो इसके साथ हम एस या ईएस लगाते हैं। सिंपल में एस या ईएस लगाते हैं। यहाँ मैंने आपको एग्जांपल दिखाया कि ही शी इट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस। वह पढ़ता हो जाएगा ही रीड। Kids. अगर मैं कहता हूँ लड़की पढ़ती है या वह पढ़ती है, तो शी रीड्स। उसका सेकंड पार्ट आ जाता है नेगेटिव। नेगेटिव सेंटेंस में नहीं का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैंने सेंटेंस में यूज किया वह नहीं पढ़ता है, इसमें नहीं के लिए मैंने डज नॉट का प्रयोग किया। जब मैं डज नॉट का प्रयोग करूंगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी, उसके साथ एस या ईएस नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि एस या ईएस डज में आ चुका होता है। अब जैसे मैं यह कहता हूं यहाँ पे वह नहीं पढ़ता, तो हो जाएगा ही डज नॉट रीड। फिर आ गया हमारा इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक। जब हम किसी चीज के बारे में पूछते हैं, जैसे इसमें आता है ही शी इट प्लस डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और इसमें डज पहले लगता है। जैसे मैंने यहाँ एक वाक्य बनाया कि क्या वह पढ़ता है, तो आ जाएगा डज ही रीड, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। यस सर। अब ये तो हमने पार्ट किया ही शी इट का। अब हम सेकंड करेंगे आई वी यू और दे का। सिंपल में आ गया आई वी यू दे प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। अब मैंने यहां सेंटेंस बनाया, मैं लिखता हूं, हो गया आई राइट। मैं लिखता हूं आई राइट। मैं नहीं लिखता आई डू नॉट राइट। मैं नहीं लिखता हूं। और क्या मैं लिखता हूं, तो उसमें डू पहले आएगा। तो मैंने यहां पे लगाया डू आई राइट, डू आई राइट। क्या मैं लिखता हूं, उसके बाद फिर क्वेश्चन मार्क करेगा। आप सारे सेंटेंसों में देखो, हर सेंटेंस में वर्ब का यूज हुआ है, नाउन या प्रोनाउन का यूज हुआ है। अगर मैं नाम लिखता हूं तो नाउन हो जाएगा, अगर नाम की जगह मैं ही शी इट का यूज करता हूं तो प्रोनाउन हो जाएगा। इस टेंस का बहुत ज्यादा यूज होता है। आपकी इंग्लिश की बुक्स में जो चैप्टर्स होते हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट पे मोस्टली लिखे जाते हैं। जो वर्तमान स्थिति में कुछ लिखा जाता है वो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। नेक्स्ट टाइम मैं एक और नया वीडियो लेके आएंगे नेक्स्ट टेंसेस का। थैंक यू एवरीवन।